बालाघाट जिले में 70% से ज्यादा लोगों ने कोरोना का बूस्टर डोज नहीं लगाया है। एक बार फिर कोरोना लोगों को डराने लगा है। विदेशों में कोरोना के बढ़ते दायरे को लेकर जल्द ही सरकार नई गाइडलाइंस जारी कर सकती है। हालांकि विभागीय तौर पर लोगों को मास्क लगाने और भीड़ वाले हिस्सों में दूरी बनाए रखने के साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने की अपील की। विभागीय तौर पर जानकारी के अनुसार जिले में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज को लेकर लोग गंभीर नहीं रहे और अधिकतर लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगाया है। जानकारी करीब 30% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगाया है, जबकि पहला और दूसरा डोज करीब 95% लोगों ने लगा लिया। भले ही विभाग के अफसर 90% लोगों के बूस्टर डोज लगवाने दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। इधर मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में एक अथवा दो नए मरीज मिलने से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए विभागीय तौर पर सुरक्षित रहने के साथ ही इसकी गाइडलाइंस जारी की जा सकती है। नए वेरिएंट को लेकर प्रदेश में अभी नई गाइडलाइंस शीघ्र ही आने की संभावना है। कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन एवं मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने मात्र अपील जारी करते हुए लोगों से भीड़ से बचने, मास्क लगाने एवं बुखार सर्दी खांसी होने पर आइसोलेट होने की अपील की है।